हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ये जो अपडेट है ये बिहार शरीफ जंक्शन का है। इस साइड बिहार शरीफ जंक्शन है जिसका कि मैं अपडेट आपको दूंगा, दिखाऊंगा। और यहाँ पे न्यू काम में ये हुआ कि अब खंभे लगाए जा चुके हैं यहाँ पे, मतलब यही बड़बीघा से कूड़ा का ट्रैक है। ये जो है कि ये राजगीर की ओर चली जाती है, फिर नटेश्वर तिलैया होते हुए फिर मतलब तिलैया तक जाती है, फिर वहाँ से रूट कट जाती है गया के लिए, नवादा के लिए। और ये जो है कि बड़बीघा से कूड़ा का है जो कि क्यों लखीसराय की हो जाएगी, फिर से कूड़ा से जो है कि नवादा की ओर मुड़ जाएगी। और ये रोड पकड़िएगा तो आप सीधे बड़बीघा से कूड़ा चले जाइएगा। और इस तरफ मैं लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो नया वर्क में यहाँ ये कि न्यू सिग्नल लगा दिया गया है नए तरीके से, और यहाँ जो है कि खंभे भी लगा दिए गए हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम किया जा चुका है। मतलब ये ट्रैक ऐसा लग रहा है कि इस पर कोई इंजन वगैरह चलाया जा चुका है, इस हिसाब से इसका काम हुआ है। तो ये ट्रैक जो है ये ओल्ड ट्रैक है, 1 और 2 प्लेटफॉर्म 1 और 2 काफ़ी मतलब पुराना है। 1 और 2 जो काम हुआ है वो 3, 4, 5 का हुआ है। इस पर 5 मतलब प्लेटफॉर्म अभी प्रेजेंट में रहेंगे और 5 ट्रैक भी रहेगा। जैसे जैसे फ्यूचर में जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से इसका डेवलपमेंट होगा और बढ़ाया जाएगा। तो ये खंभे वगैरह जो है न्यू वर्क में आपको जो दिख रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन ये सब कर दिया गया है, कम्प्लीट कर दिया गया है यहाँ तक। उसके बाद जो है कि फिर यहाँ से भी काम नहीं हुआ है और आगे देखता हूँ कि आगे कहाँ पे इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम क्या 3 में पे किया गया है नहीं, वो सब मैं चल करके दिखाऊंगा। आगे वहाँ तक पूरा अपडेट दूंगा। टिकट काउंटर वगैरह सब अभी ओल्ड ही रहेगा, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं है। तो टिकट काउंटर वगैरह अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलप जो हुआ वो यही है, फुट ओवर ब्रिज यहाँ बन रहा है। तो मैं चल कर दिखाता हूँ। स्टेशन का भाग यही है और बिहार शरीफ एक चहल पहल स्टेशन है, लेकिन कुछ वजह से यहाँ पे जो है कि लोगों की आपको भीड़ या काम वगैरह नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इस साइड में भी काफ़ी सन्नाटा जो आपको दिख रहा है। यहाँ पर किसी तरह की दुर्घटना हुई है वो आप न्यूज़ पे देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो है कि यहाँ पे हालांकि एक हफ्ते बाद मैं उसके वीडियो बना रहा हूँ, आज 9वां दिन है ये होने के बाद तब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी सारी दुकानें बंद हैं। खैर जो भी वो बात की बात है, उसमें तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, जो हो गया सबसे मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन इन सब चीज़ों से सावधानी बरतें, आपस में मिलकर रहें। यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जा चुका है काफ़ी दूर तक, लगता है कि पूरा ट्रैक पे ही किया जा चुका है, ये 3, 4, 5 पे जो आपके सामने है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन जहाँ तक हमें दूर तक दिख रहा है काम इसका किया जा चुका है, अब ब्यूटिफिकेशन बाकी है प्लेटफॉर्म की और स्टेशन की। और 4-5 को भी बनाया जा रहा है, तभी तो 5 ही ट्रैक रहेगा, 5 ही प्लेटफॉर्म है। आने जाने के लिए जो गाड़ियों का है वो एक सिंगल ट्रैक है दोनों साइड, चाहे से पूरा बड़बीघा हो या फिर पटना साइड हो। हाँ, स्टेशन पे ट्रैकों की संख्या ज़्यादा है, प्लेटफॉर्म की संख्या ज़्यादा है। तो ये है जो आपके सामने है, इसका अपडेट मैं दिखा रहा हूँ। अभी लाइट का काम बाकी है, प्लेटफॉर्म का काम बाकी है। तो जैसे जैसे इसका अपडेट होता रहेगा मैं कंटिन्यू इसका अपडेट देता रहूँगा। फुट ओवर ब्रिज का जो वर्क है वो चलता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक इसकी पोजीशन और वर्क है। ये देखिए इंडिया का न्यू मशीन, हाँ न्यू देखिए इस तरीके से, जिसको कि गिट्टी सेटिंग किया जाता है, एकदम नया मशीन है और अभी आया ही हुआ है। ये लगता है कि या तो पेंटिंग होगा या तो कुछ भी, लेकिन है एकदम नया इंडियन रेलवे का ये मशीन। इसी के जरिए जो है कि पूरा गिट्टी और ट्रैक वगैरह सेटिंग किया जा रहा था, ये सब जो देखे आप। और यहाँ पर जो फुट ओवर ब्रिज बन रहा है एज इट इज है, किस तरह का भी बदलाव नहीं हुआ। ये जो दो और 3 प्लेटफॉर्म है ये भी इसी तरीके से है। तो थोड़ा बहुत काम हुआ है, इसे सेटिंग वेटिंग किया गया है। जैसे जैसे इसका काम चलता रहेगा मैं कंटिन्यू इसका अपडेट देता रहूँगा। और ऐसा लग रहा है मानो वीरान हो गया है ये स्टेशन, बहुत चहल पहल रहती थी इस स्टेशन पर, इस वक्त ट्रेन आने का टाइम है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, कि पटना जाने वाला इंटरसिटी से बहुत सारे लोग रहते थे। लेकिन देखिए जरा सा मैं क्या से क्या हो गया। तो ये जिस पे मैं चल रहा हूँ 2 है 3 है 4 है 5 है, तो काम ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है 10 दिन के 12 दिन के अंदर में।